ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर 150 एसएफ के रिगार्डिंग। ये एसएफ वाला मॉडल, मतलब ये फेयर्ड वाला मॉडल है एंड ये लेटेस्ट एडिशन है 2023 E20 वाला एडिशन है, जिसमें इथेनॉल वाले फ्यूल डलने वाले हैं। मतलब ये रेडी है एंड इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा, ऑरेंज और ग्रे में है। इसका अलग अलग कलर वेरियंट भी है, ब्लैक और ब्लू में भी अवेलेबल है। सो यस, आज के इस वीडियो में इसके बाइक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट अप दिस वीडियो, थैंक यू सो मच ओरियन सुजुकी सेलिब्रिटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस मोटरसाइकिल। सो यस, विदाउट एनी फर्दर Let's begin the review. सो दिस इज द ब्रांड न्यू सुजुकी जिक्सर SF 150 वाला मॉडल है ये एंड ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लुक है। मतलब ऑरेंज एंड देन दिस यू नो ग्राफिक्स इसमें एंड देन सिल्वर कलर, ये ब्लैक और ब्लू में भी अवेलेबल है। सो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो उसको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड एंड इसमें आपको मिलता है नंबर प्लेट होल्डर, फोल्डेबल मिरर्स जो कि काफ़ी वाइड एंगल हो जाते हैं। अगर आप इसको ट्रैफिक पर अगर आप चलाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। डुअल LED हेडलैम्प विथ DRL, इसमें आपको सुजुकी बैजिंग के मड फ्लैप मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बाइब्रेकेट डिस्क इसमें यूज किए गए हैं एंड 17 इंचेस के अलॉय हैं, जिसमें 180 सेक्शन का टायर है, ट्यूबलेस टायर है। सो ऑब्वियसली आपको इसमें जो है पंक्चर वगैरह होने का कोई दिक्कत नहीं फेस होगा। यहाँ का जो इंडिकेटर वो बाहर की तरफ निकला हुआ है बॉडी से, तो इन केस ऑफ क्रैश ये सबसे पहले इंडिकेटर जो है टूटने वाला है। फिर ट्रैफिक में अगर बहुत ज्यादा क्लोज कॉल हो गया तो ये, बट ये फ्लेक्सिबल भी है, ये टूटेगा तो नहीं। एंड यहाँ पे जिक्सर SF का यहाँ पे जो बैजिंग है वो दिया गया है। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स लोगो है, सुजुकी यहाँ पे बैजिंग है, बहुत ही चंकी ऑरेंज कलर में है एंड दिस इज कवरिंग द एंटायर सेट ऑफ इंजन सेट। मतलब सामने से यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेकर के पूरा जो कवर्ड है हॉन्क उस तरफ है एंड ये पोर्शन पूरा कवर्ड है, एग्जॉस्ट भी इसी के अंदर से जा रहा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब बहुत ही फेयर्ड बाइक दिख रहा है। अगर हम इंजन की बात करें तो 155cc का इंजन है, बट हम इसे 150 ही बोलेंगे एंड 13.8 BHP एंड 13.4 Nm टॉर्क है इसमें एंड ये BS6 है, FI इंजन है एंड इट हैव गॉट अ सिंगल स्पार्क प्लग विथ नॉट अ स्लिपर क्लच, नॉर्मल क्लच है इसमें। ब्रेक लीवर है, फुटरेस्ट है एंड यहाँ पे जो है मास्टर सिलेंडर है एंड दिस इज द बैक लीवर फ्लूड, मतलब ब्रेक के फ्लूड है। दिस इज द स्मॉल टाइनी, बहुत ही टाइनी सिल्वर कोटेड वाले यहाँ पे आपको जो पिलियन फुटर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलता है, डुअल मफलर है इसमें, मतलब दो एग्जॉस्ट के होल्स हैं जिसमें साउंड काफ़ी थम्पी सा निकल के आता है। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे बाइब्रेट के आपको डिस्क मिलते हैं एंड पीछे के जो टायर है वो 140/60/17 inches का टायर है, जो एलॉय है वो 17 inches का ट्यूबलेस टायर है एंड जो टायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, MRF रिव्स के इन्होंने टायर इस बार दिए हैं। पीछे आपको जो है एक मड फ्लैप मिलता है ताकि ओवर मड आपके सीट या कंसोल में जाके ना लगे, हालांकि ये वाले पोर्शन काफी गंदे होने वाले जब ये टायर रोटेट होगा इन मड और स्लश। यहाँ पे भी आपको दिया गया एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं, मतलब मोनो सस्पेंशन पीछे की तरफ। यहाँ पे जो है पीछे आपका नंबर प्लेट होल्डर है, सुजुकी का बैजिंग है, नंबर प्लेट होल्डर, ये पोर्शन काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कवर करके दिया ताकि जो मड फ्लैप से जो भी मड वगैरह है जो बाकी निकल के आएंगे वो आपके सीट के यहाँ तक ना पहुँचे, या फिर पिलियन के पैर तक या फिर पिलियन के जो हिप साइड है वहाँ तक ना पहुँचे, तो इसके लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा सा कवर देकर रखा है। दिस इज रियली थम्स अप फॉर दिस। उसके अलावा जस्ट लुक एट दी बिग ह्यूमंगस साड़ी गार्ड, इतना बड़ा साड़ी गार्ड मैंने शायद बहुत कम बाइकों में देखा है, बट ये काफ़ी बड़ा साड़ी गार्ड है, पूरे टायर को कवर कर रहा है। स्प्रॉकेट है इसमें, चेन ड्राइव वाला यहाँ पे सिस्टम है, ये चेसी हो गया एंड फिर से यहाँ पे जो है पिलियन के लिए फुटरेस्ट आता है, राइडर के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे आते हैं एंड देन यहाँ पे जो है डबल स्टैंड भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको सिंगल स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ है, मतलब इन केस आपके साइड स्टैंड अगर ऑन है तो ये बाइक ऑन नहीं होगा। 5-speed गियर बॉक्स है, इन 150 सेगमेंट आपको 6 गियर जो है वो नहीं मिलता है। उसके अलावा आपका जो ये जो टैंक है ये फाइबर बॉडी है, बहुत ही लाउड साउंड करने वाला फाइबर बॉडी है, 12 लीटर का टैंक है एंड इसका जो माइलेज ऑलमोस्ट 35-40 के बीच में आपको देगा अगर आप इसको चलाते हो, मतलब 40-42 के आसपास आपको माइलेज दे देंगे। साथ ही साथ अगेन यहाँ पे जिक्सर SF के यहाँ पे बैजिंग है एंड यहाँ पे 150 कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो यू कैन नॉट यू नो गेस कि 150 है या 250 है। तो यस, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट और अ ड्रॉबैक, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कितने सीसी का इंजन है, बट या दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉडी पैनल। अभी आते हैं कंसोल पे, तो ये कंसोल बहुत ही नीट एंड क्लीन है एंड आप जब इसको ऑन वगैरह करते हो तो आपको बहुत ही एक चंकी आपको एक फील आता है कि हाँ यार, मतलब आप एक वाइट डिस्प्ले में आप इसको देखने वाले हो। दोबारा से मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आपका टावर, ब्लूटूथ, बैटरी, मैसेज, कॉल्स, ऑयल लो है कि नहीं, टाइम, फ्यूल गॉज, यहाँ पे RPM के मीटर, कौन से गियर पे हो आप, कितना स्पीड चल रहा है, कितना किलोमीटर पर आवर पे आप चला रहे हो वो एंड कितना माइलेज आपको मिल रहा है एंड यहाँ पे अगर आप मोड बटन को दबाओगे तो पेयरिंग मोड, ये जो है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मॉडल नंबर है एंड यहाँ पे दिखाएगा आपको कि कॉल वगैरह आ रहा है कि कहाँ पे आपको, मतलब जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर है राइट लेफ्ट एंड यहाँ पे RPM मीटर है, न्यूट्रल, ABS, हाई बीम लो बीम के यहाँ पे साइन है, इंजन मैनुफंक्शन के यहाँ पे है एंड अगर फ्यूल लो है तो उसके लिए यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा एंड यहाँ पे सिलेक्ट अगर आप करते हो तो आपको कितने वोल्ट है, कितने किलोमीटर चल चुके हैं, ये सब आपको जो यहाँ पे शो करेंगे। तो यस, हाई बीम
दिस इज़ दी हॉन्ग। स्लीपर क्लच नहीं है, एडजस्टेबल भी नहीं है, ब्रेक लीवर है। स्टार्ट करके सुनाता हूँ। बहुत ही रिफाइंड इंजन है। जब मैं इसको चलाऊंगा अभी ऑन रोड पे, अब तभी आपको पता चलेगा। एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है। सो यस, अभी इस बाइक को जो है ऑन रोड चलाते हैं, आपको बताते हैं इसका ऑन रोड फील। सो यस, लेट्स बिगिन। ओके, सो दिस इज़ दी सुजुकी जिक्सर SF 150। दिस इज़ दी राइट कनेक्ट एडिशन, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, बहुत ही वाइब्रेशनलेस इंजन है। और मिरर्स यार, आपको थोड़े से ना ऐसे चौड़े वाले मिरर मिलेंगे, मतलब ये ट्रैफिक में बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं इसको बंद करके चलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी हम लोग सेकेंड गियर पे है एंड ट्रस्ट मी, 150 सीसी के कैटेगरी में इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। वाइब्रेशन आपको उतना फील नहीं होता है, गियर बहुत ही स्मूथली शिफ्ट होता है, 5-speed गियर बॉक्सेस में, एंड माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है। लाइक इन द कैटेगरी ऑफ 150 cc, माइलेज, पावर, लुक, फंक्शनैलिटी वाइज ये मोटरसाइकिल को मैं सही में बहुत ही अच्छा एक रेटिंग दूंगा। एंड ट्रस्ट में मैं लगातार बहुत सारे मैं सुजुकी के बाइक्स चला रहा हूँ। एवनीस हो गया, देन ये जिक्सर 150 SF हो गया, वी स्टॉर्म मैंने चलाया है, वी स्टॉर्म 650 मैंने चलाया राजस्थान की ट्रिप पे। तो मैं ये बोलूँगा कि यार इनके इंजन काफ़ी रिफाइंड होते हैं, गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मिरर्स को मैंने कर लिया है बंद। अभी अगर हम अगर बात करें इसकी एजिलिटी का, कॉर्नरिंग वगैरह में, इट गिव्स अ नाइस कम्फर्ट राइड यार। इसके सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूथ है, बम्प्स वगैरह को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं। मोनो सस्पेंशन रियली परफॉर्म वेल एंड द फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑल्सो डज वेल जॉब। अगर मैं अगर ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो रियली नाइस, बट ब्रेकिंग से ना मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस बाइक के परफॉर्मेंस के तौर पे, बिकॉज इनके जो ब्रेकिंग है मुझे उतने कुछ खास एग्रेसिव वो बाइट वाले नहीं फील हुए। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊँ, बट यस, वंस यू टेक द टेस्ट राइड आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके ब्रेकिंग के रिगार्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन हो गया, चाहे बॉडी के एरोडायनेमिक्स हो गए, थाई जो है अच्छे से रहते हैं, टैंक के जो शेप है वो एकदम आपको एक प्रॉपर एक ग्रिप देता है, आप अपने थाईज को लॉक कर सकते हैं चाहे वो लीडिंग पोजीशन पे हो या आपके राइडिंग के पोजीशन पे हो। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है बाइक का, आप इसको डे लॉन्ग आप इसको चला सकते हैं। अगर मैं चला के बताऊँ तो आप इसको ट्रैफिक में फटफट आप इसको क्रिस क्रॉस कर सकते हो। बॉडी का जो एजिलिटी है काफ़ी अच्छा है, इंजन रिफाइंड है, माइलेज आपको अच्छा मिल रहा है, टायर के ग्रिप्स अच्छे हैं, एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बेसी सा है, तो आपको एक इन लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा वो कानों में चुभने वाला साउंड नहीं है ये। एंड रिफाइनमेंट के तौर पर दिस बाइक इज़ रियली अप टू दी मार्क, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर जैसे मैं कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा हूँ तो कॉर्नरिंग में मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस का लैक मुझे फील नहीं हो रहा कि बाइक जो है ज़्यादा नो छिटकने वाला है, वैसा कुछ फील नहीं है। इट्स अ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट बाइक। हाइट के तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5'6" 5'5" के बंदे इसको आराम से कंफर्टेबली इसको चला सकते हैं। बहुत जल्द अगर पॉसिबली हुआ तो मैं जिक्सर 250 SF जो है उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ये 150 cc कैटेगरी के हैं। तो यस, जो लोग डेली कमिट कर रहे हैं, शॉर्ट टूरिंग करना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, वो लोग सुजुकी के इस SF 150 को ज़रूर ले सकते हैं फॉर योर ऑफिशियल यूज़, फॉर योर राइड पर्पज़ यूज़। फैमिली को बिठा के चलाओ, खुद के लिए चलाओ, कंफर्टेबल है, ज़्यादा कोई पेन वगैरह नहीं आता है, बॉडी पोजिशन लीनिंग नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे झुक के चला रहे हो। इट्स अ वेरी सिंपल यू नो बॉडी पोजिशन जो आपको एक लंबा कम्फर्ट दे। सो यस, अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड जो भी राइडर फ्रेंड्स हैं जो ये लेना चाहते हैं या फिर जिक्सर फैमिली से यू नो वो रूबरू होना चाहते हैं। सो या, विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और सिर्फ प्रोडक्ट के जो एक शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो या, मीट यू ऑन द अदर वीडियो। बाय बाय।